तो यार माइनक्राफ्ट में मैं एक ऐसी तलवार बनाने वाला हूँ जो कि मॉब्स को तो मारेगी, साथ साथ उसका कुछ एक एपिक कूल फीचर होगा जो कि शायद किसी भी स्वॉर्ड में नहीं होगा आज तक, और ये स्वॉर्ड लुमिनस की है। तो माइनक्राफ्ट में लॉर्ड ओमिनस का क्या काम है ये तुम पूछ रहे हो अपने आप से, या फिर अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई लॉर्ड ओमिनस कौन है तो तुम जॉक सगा देख सकते हो, बस इतना ही कहूंगा मैं। तो अब सीधे हम क्राफ्टिंग रेसिपी की तरफ चलते हैं जिधर मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ लॉर्ड ओमिनस की तलवार। एंड आई नो ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं हो सकती, ये सिर्फ एलनेस्टिक गेमर के माइनक्राफ्ट में हो सकती है। सो या भाई साहब, भाई डायमंड गोल्ड आयरन और नेदराइट, यार ये सोर्ड तो बहुत मस्त है यार, पर ये क्या मारती भी है लोगों को कि नहीं? मैं तो ये सोच रहा था अगर ये लॉर्ड ओमिनस के हाथ में लग गई, क्योंकि अभी तो ये मेरे हाथ में है, तो वो जॉक का क्या हाल करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं सर्वाइवल मोड में और मैं नेदराइट का आर्मर पहन रखा है और साथ में गोल्डन एप्पल्स रखे हैं क्योंकि ओ भाई साहब इससे हम चार्ज क्रीपर बना सकते हैं, तो लाइटनिंग गिरा के, मतलब मुझे लगा था कि सिर्फ ट्राइडेंट से ही काम होता है, पर ओ भाई इसका एंडर ड्रैगन से क्या हाल करूंगा मैं। वैसे एंडर ड्रैगन को मैं नहीं मारने वाला क्योंकि मैंने ऑफिशियली एंडर ड्रैगन को मार दिया है, तो एक चीज को बार बार मार के हम उसकी बेइज्जती करेंगे। ओके यार यहीं से बिजली गिरा गिरा के इसका गेम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पास जाके देखना चाहता हूँ कि क्या हम इसको कितनी जल्दी मार सकते हैं। एक शॉट में 2 3 4 5 6 भाई ये तो भाई विदर की बेइज्जती हो गई भाई, या फिर मैं ही बहुत ओवर पावर्ड हूँ। विदर तो बहुत जल्दी मर गया यार। यार ये तो बहुत ही अमेजिंग स्वॉर्ड है यार लॉर्ड ओमिनस की, स्वॉर्ड मेरे हाथ कैसे लग गई। ओके तो इफ यू वांट टू नो कि लॉर्ड ओमिनस असल में लॉर्ड है या फिर वो एक डेविल है, तो यू हैव टू वेट फॉर जॉक सागा। सो या गुड बाय गाइस एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।